तो जी सुबह के बज चुके हैं 7:15। साथ हाई ऑल डूइंग वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज तो बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है, ट्रैवलिंग डे है। हम लोग रेडी हो चुके हैं बहुत जल्दी, 5:30 बजे से जगह ले। पापा तो आ गए हैं, पापा तो 4 बजे से जगह ले। पापा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? बढ़िया है। मेडिटेशन हो गया सब? हाँ मेडिटेशन हो गया। श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़कर आया। ओ माय गॉड श्री। तो फिर आज का सुविचार दे दो चलो फटाफट। जो व्यर्थ को अवॉइड करेंगे हाँ वही अवॉर्ड जीतेंगे। वाह भाई वाह, जोरदार। व्यर्थ को अवॉइड करेंगे वही अवॉर्ड जीतेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड सुविचार है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह पे जाने के लिए। टाइटल देख के आपको शायद पता चल गया होगा, तो बने रहिए मज़ा आ जाएगा। और मिलवाएंगे आपको मेरे एक अच्छे दोस्त से। तो जी बारिश का तो माहौल आज भी ऐसा ही है, पर पापा इधर रेडी हो चुके हैं कल का जवाब लेके। कल का क्वेश्चन था हाँ, जिसके साथ बात करने से खुशी दो गुनी हाँ और दुख आधा हो जावे हाँ, वो अपना हाँ, बाकी तो क्या है? क्या है बाकी? तो सारी दुनिया है। ओहो, तो मैंने भी देखा है बहुत सारे लोगों ने अच्छा अच्छा और सही जवाब दिया है। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों का राइट होगा, पर पापा बताएंगे फटाफट किसने दिया है। और फटाफट जवाब देने वाला है कपिल बेकड़ हाँ, महेश पटेल हाँ, राहुल मितलिया, उर्मी दवे, अक्षित, जागरूचि खारा, मितेश सापरिया। ओके, इन्हीं लोगों ने सही आंसर दिया है। बाकी सब ने बहुत अच्छी मेहनत की है। ओके, सबको धन्यवाद। थैंक यू पापा, थैंक यू। ओके 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 ओके। तो जी मम्मी आ चुके। मम्मी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल तेरे भजन का मिस हो गया है, आज तो तेरे को गा के ही हमको भेजना होगा भजन गाने। लाल गमर घमर मारू अल्लोणु गाजे श्यामिया ने मारी मटुकी फोड़े, मटुकी फोड़े ने मारा मैड़ा ढोले, श्यामिया ने मारी मटुकी फोड़े। क्या भाई पाछड़ दो, साफ सफाई करनी चाहिए। ओके मम्मी आज तो मजा आ गया यार, सवेरे सवेरे भजन गा लिया। पापा कैसा लगा भजन? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, फ्रेश हो जाता है माइंड। फ्रेश हो जाता है माइंड, ठीक है। तो अभी हमारा दोस्त आया तो ठीक है, लेट होते ही जा रहे हैं। तो जी इधर तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है। सारी का गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पटोड़ा पहन के रेडी हो गए है ये। ये जो देखो ये जो गुड मॉर्निंग, ये जो ते सु सु ब्लैक पैक पेरू बेटा ભાઈ, એ જોતો 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 તે બેગ માં શું પેક કર્યું? કેટલા નાખ્યા? બેગ માં શું શું પેક કર્યું? તે કાઈ ને મારા કપડા નાખ્યા કરે, બીજું શું નાખ્યું? કાઈ ને, તારે તો ટ્યુશન માં જવાનું છે। हम हमेशा भूल जाते हैं पर पापा कभी नहीं भूलते हैं। ये पंप हमेशा हमारी गाड़ी में जाता है। थैंक यू पापा। ओके वेलकम। साथ साथ पूछ ही लो आज का सवाल, ऐसे करो। वायरस अदृश्य है। ओके, अवश्य डरिए। हाँ तो ईश्वर भी तो अदृश्य है। ओहो, तो क्या किया जाए? तो क्या है? दृश्य क्या है? सब अदृश्य। तो सही बात है, मेरा तो आंसर सेम रहेगा, डरना ही चाहिए। तो जी निकल चुके हैं जाने के लिए बहुत ही एकदम वाइट जगह है, नाम भी वाइट फेदर ही है, ठीक है। मैं उधर जाके आया हूँ, ये लोग कोई नहीं गए हैं, तो मैंने सोचा लेके चलते हैं सचिन हमारे साथ से। पहले तो सचिन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सचिन यो कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। इधर ट्रैफिक का माहौल ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा धीमे चला रहा हूँ। झरमर भी चालू है। हाँ झरमर झरमर चालू हो, पीछे ऐसे गोठवा गए हैं सब लोग, आप देख सकते हो, ठीक है। हमारे साथ सचिन की वाइफ है, नई कपल, नए कपल आई मीन। और ये जो देखो बीच में मचाते हुए, ये जो आपने कहाँ जाए थे बेटा? स्विमिंग पूल में। ओके, बड़ी संधि छूटी पड़े पूल। तो ये है आज का हमारा ट्रैवल, ठीक है। सूरत से वलसाड़, वलसाड़ से किला पार्टी, किला पार्टी से लेफ्ट, और उधर से सीधा हमारा आएगा दूधनी के पास, खानवेल जो बोलते हैं, दादरा एंड नगर हवेली एरिया वही के, मतलब उधर का एरिया है। तो उधर जाएंगे, बने रहिए मजा आएगा। तब तक हम लोग ट्रैफिक एंजॉय करते हैं, ठीक है। ऑन मारना पड़ेगा अभी। Get away, but I could use some company.
you're alone like me, we could go on a trip. Girl, I wanna see the sun. नीचे पड़ा तो जो पहुंच चुके हैं हम लोग शुगर एंड स्पाइस जो नेशनल हाईवे पे है वलसाड से बहुत नजदीक है. ब्रेकफास्ट करेंगे फिर भगलेंगे. ठीक है सचिन. साबुदाना वड़ा सारी खावानु पहला बराबर खाने का चाहिए. 11 रहेंगे 11 11 काई वाले खाने का पहले. ठीक है ये जो सो खाइस बेटा तू नूडल्स ओके इसको नूडल्स ही चाहिए नूडल्स. चलो तो जी रुक चुके हैं हम एक ऐसी जगह पे जहाँ से वाटरफॉल बहुत अच्छा दिखता है. आपको पहले वाटरफॉल दिखा देता हूँ. सो दैट इज द व्यू ऑफ अ रियली रियली गुड वाटरफॉल नियर द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू स्टे. हम लोग व्हाइट फेदर जा रहे थे बीच में दिख गया सोचा इधर ड्रोन उड़ा ले. अभी ड्रोन सेट हो चुका है आप लोगों के लिए स्पेशल ड्रोन के नजराने सचिन और जेडी के साथ. बने रहिए मजा आएगा. From the stress and the hate, feel the loving, feel the rhythm, singing oh na na, oh na na. I wanna go where the birds fly low, feel my heartbeat, feel the music, singing oh na 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 na. I can take you anywhere you want if you come with me tonight. I can show you things you've never seen if you come with me tonight. Say the words and I'll make it happen. चुके हैं हम लोग व्हाइट फेदर रिसोर्ट में जहाँ पे वन नाइट का स्टे है और पीछे लोग उठ गए हैं देख सकते हो आप. जीजे फाई की ही गाड़ी हेवी प्राणियों हेवी और ये है इसका पार्किंग. जब हम आए थे तब नहीं बना था अभी बन चुका है. ये देखो हमारा छोटा भीम पूरा बैग खींचने की ट्राई कर रही है. चलो बेटा लेट्स गो. हमें वार लेट ना करे तड़को बहुत है स्विमिंग पूल में पड़वानो. चलो लेट्स गो. वेरी गुड. चलो पटका शाम. सचिन कैसा लगा? अच्छा है. अच्छा है हाँ, थोड़ा बोलने का यार पूरा क्लीन है. हाँ बहुत. और कोई नहीं है आज कोई नहीं है डिस्टर्बेंस के बिना. कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अभी तो आया हूँ स्पेशली एक नाइट स्टे करने के लिए बिकॉज मेरे को इधर इतना अच्छा लगा था जब आया था तब क्या ही बताऊँ. ड्रोन भी उड़ाएंगे. ठीक है देखो ऐसे थोड़े थोड़े कॉटेजेस है इधर आप देख सकते हो छोटे छोटे सब. और ये हाँ ये है इन लोगों का विला जो सबसे महंगा है और सबसे बड़ा है. ऐसे इन लोग के पास तीन विला है पर हमको विला इतना ज़्यादा पसंद नहीं है. हमको तो कॉटेजेस पसंद है. देखो ये जो कॉटेजेस है वाइट वाइट ये विला से कम नहीं है भाई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. ठीक है तो ये है वाइट फेदर का एंट्री हेलीपैड और ये हेलीपैड है और 308 उस साइड आएगा तो हम लोग इधर से जाएंगे. चलो यहाँ बेटा आयरू 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 308 चलो અહીંયા થી જવાનું અહીંયા થી હું પકડ મે પકડેલું છે મે પકડે છે બારે વાળું હોય બેટા ના મન તમે પકડ લેવા તે કેમ અભી એ જો ઓપન કરેગી ગેટ ઉસકો સબ પતા હે કેસે હોતા હે એ જો ઓપન કરો ચલો બસ હવે આને ખોલો વેરી ગુડ હેઝલ ને તો બધું આવડે. ચલો તો જી યે હે રૂમવા તો જી યે જો વિલા હે આઈ મીન યે જો કોટેજ હે વો કોટેજ लेक के इस साइड है. लेक उधर है हमारा इसमें से कोई एक होगा जिधर से आप देख सकते हैं उधर जो ब्लू है उधर लेक है पूरा. तो ये जो है वो सचिन का है क्योंकि सचिन ने ऐसा बोला कि हमको इधर चलेगा. ये इधर फ्रिज है हेजल के लिए शूज रखने के लिए. किंग साइज का बेड है सोफा है सिटिंग एरिया है पूरा मालदीव्स लग रहा है. अभी मालदीव्स जाने की जरूरत ही नहीं है. है ना हाँ तो मालदीव्स का पूरा खर्चा भी बच गया हमारा. तो अभी हम नहीं जाएंगे मालदीव्स. यहाँ पे दो बार आ जाएंगे और मालदीव्स एंजॉय कर लेंगे. ओह माय गॉड ये टेबल है देखो. हाँ हेजल ये टेबल ले लो. और इधर चाका जाम बाथरूम है जो हमारा फेवरेट एरिया रहता है. इधर थोड़ा ये है और ये है बड़ा सा मिरर देख सकते हो. मजा आ गया. प्राइवेसी वाला है इधर से बंद हो गया. हाँ ये बंद हो गया अभी उधर दिखेगा नहीं. अगर ये खोलेंगे तो इधर से सीधा इन लोग का नजारा आएगा. बाथरूम में ट्रांसपेरेंट मिरर है हनीमून वालों के लिए. फोन भी है. फोन भी है हाँ प्रेशर नहीं आता तो कॉल करने का. क्या कॉल कर क्या जो मन में आया बोल दिया और क्या यार. तो ये है भाई. ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद थोड़ा मचाएंगे ड्रोन वोन के शॉट आपके लिए लेंगे. दिस ग्लास हैज बीन स्पेशली क्लीन फॉर योर प्रोटेक्शन.
ओके किधर प्रोटेक्ट करने का लिप्स पे या कोविड कोविड टेक इन माय ड्रोन आउट ऑफ दिस विला आई गॉट हियर लुक एट ब्र ये हमारा विला है आज रात के लिए ठीक है दोपहर के आई डोंट नो कितने बजे हैं पर हमको सोचा कि ड्रोन का शॉट ले ले वाइड एंगल में देख लो विला नहीं तो कॉटेज जो भी समझ लो आप इधर से सीधा ये झाड़ के बीच में से जाएगा ऐसा सोच रहा हूँ बोबड़ा गया ये अभी जीपीएस कनेक्ट हो रहा है तब तक आपको बताना चाहता हूँ कि ये है वाइट फेदर रिसोर्ट हमारे सामने जो आप देख सकते हो वो है दूधनी लेक ठीक है इधर से बोटिंग करके उधर जा सकते हैं वो दूधनी बोलते हैं और इस साइड का एरिया है दादरा नगर हवेली दीव दमन के एरिया में आता है ये बॉर्डर क्रॉस करके आता है तो हम लोग ने सूरत से जब निकले तो सुबह 7 बजे निकले थे तो इधर हम लोग ब्रेक लेते लेते आराम से 4 घंटे आसपास तो हो ही गए थे 3 घंटे का रास्ता बताया पर 4 घंटे हो गए क्योंकि ब्रेकफास्ट किया ये किया हो गए एक ड्रोन के शॉट भी लिए तो ऐसा हो जाता है ठीक है तो इसका नाम है वाइट फेदर रिसोर्ट खानवेल लिखने का और हमारी बुरी बोल चुकी है कि जीपीएस पकड़ा गया है तो अभी हम लोग उड़ाएंगे ये देख सकते हो आप ये हमारा So bittersweet. Let me put your mind at ease. Trust me, I'll take the lead. Cause I wanna ride with you. Just give in to the fire. Cause I'ma take you higher. You're my only desire. Yeah. ये है हमारा वाला 406 जिसका चाबी लॉकआउट हो गया है अभी सारी का तो चली गई है हेजल को लेकर स्विमिंग पूल में और मैं अभी बैठूंगा एडिटिंग में तो सोच रहा हूँ कि वीडियो को एंड इधर ही कर देते हैं कल सुबह कुछ नया कंटेंट निकालेंगे ये है हमारा व्यू इधर से आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दिखता है और चाबी लेके आ रहा है रिसेप्शन से कोई भाई ये है हमारा विला विला मतलब कॉटेज जो भी बोल लो बहुत अच्छा विजन है इधर से डायरेक्ट ही व्यू आता है लेक का तो आई थिंक बस आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो मचाते रहो कल बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है हम लोग जाएंगे शायद मैं सोच रहा हूँ कि मैं जहाँ पे पढ़ा हूँ वल्लभ आश्रम किला पाड़ी वहाँ पे मैं राउंड मारूंगा एक आध घंटे का तो मैं सोच रहा हूँ उधर जाके आपको बताऊँगा मैं कहाँ पढ़ता था मैं कैसे रहता था क्या हमारा नज़ारा था तो बने रहिए मज़ा आएगा ठीक है चलो मिलते हैं बाय बाय